नमस्कार फ्रेंड, आपका स्वागत है स्टडी कॉर्नर में और आपके समक्ष जो जीके ट्रिक है विदेशी पुस्तक एवं उनके लेखक के लिए है। और आप देख सकते हैं ये लिस्ट जो है इतना ही नहीं है और इस पेज को मैं एंडिंग करते जा रहा हूँ, इस पेज के पीछे भी इतना ही है। तो ये सब आपको इतना मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, बस आप ये पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक और पूरा विश्वास कीजिए और निश्चित है कि आपको याद हो जाएगा पूरा का पूरा। तो एक और बात फ्रेंड, ये मत सोचिएगा कि जियो तक ही मेरी वीडियो थी। जियो जो है इसका ऑफ़र 31 मार्च यानी आज लास्ट है। आप ऐसा ना समझे कि बस आज ही भर है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे वीडियो लगातार जारी होते रहेंगे। तो आप अगर हो सके तो साथ देंगे और जैसा हो आपकी मर्ज़ी, मेरा जो कर्तव्य मैं करूँगा, अपना वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आप अगर नए हैं और चाहते हैं कि ऐसे वीडियो आपको मिले तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में वीडियो के एंड में अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो सब्सक्राइब करने के लिए फ्रेंड या तो मेरे इस वीडियो के कॉर्नर में मेरा फ़ोटो दिख रहा होगा, फ़ोटो पर क्लिक करके कर सकते हैं, या तो इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, वहाँ क्लिक करके आप सब्सक्राइब मुझे कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है, आपको कोई इसमें शुल्क नहीं लगने वाला, कोई पैसा नहीं लगता है। ये सिर्फ सपोर्ट मात्र है कि आप किस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं विदेशी पुस्तक को उसके लेखक के हम लोग कैसे याद करें। ठीक है, तो सब कुछ एकदम फनी तरीके से होने वाली है, इस बार भी फनी ही होगा। यहाँ देखिए द रिपब्लिक प्लेटो है, द रिपब्लिक प्लेटो। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पब्लिक में प्लेट लेकर के भीख मांगना, दे दे राम दिला दे राम वाला बात। ठीक है, तो पब्लिक में द द यानी दे दे राम दिला दे राम क्या चीज़ लेकर मांगता है वो लोग, भीख प्लेट लेकर। तो द पब्लिक प्लेटो सिंपल सा है। चलिए बात करते हैं हैरी पॉटर। हैरी पॉटर का जेके रोलिंग है, अपने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी, इसमें जानते हैं कि जो हैरी पॉटर है वो झाड़ू लेकर के वो मतलब कि वो सफ़र करता है, उड़ता है उस पर। तो झाड़ू पे उड़ता है तो कभी कभी रोल भी होता है, ऐसे गोल गोल रोल होता है, तो रोल होता है फॉर रोलिंग। जेके रोलिंग ऐसा समझिए कि जेके रोलिंग जो थे मूवी भी ऐसा ही बनाया जिनके इनका नाम जो है उसमें कुछ ना कुछ असर रह जाए। तो जेके रोलिंग ऐसा मूवी बनाया जो रोल होने वाला हो, झाड़ू पे उड़ने वाला हो, तो हैरी पॉटर बनाया उन्होंने। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स है। इसको कैसे याद करेंगे फ्रेंड, देखिए ऐसा लग रहा है कि दास कैपिटल, दास को किसी ने पीट दिया है, बढ़िया से पीट दिया है, तो बेचारे को क्या हो गया, काला मार्क्स पड़ गया जहाँ तहाँ। सीधी बात है, अगर किसी को पीट दिया जाए तो जहाँ तहाँ उसका मतलब जहाँ पे चोट लगा वहाँ पे काला धब्बा हो जाता है। तो देखिए काला मार्क्स हो गया, दास को कोई पीट दिया है तो काला मार्क्स, कार्ल मार्क्स। चलिए स्ट्रगल इज माई लाइफ, ये है नेल्सन मंडेला, ये अफ्रीकी गांधी है, इनको सभी जानते हैं कि इनको अफ्रीकी गांधी बोला जाता है। नेल्सन मंडेला, इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है। तो इन्होंने लिखा एक बुक, स्ट्रगल इज माई लाइफ, मेरा संघर्ष ही मेरा जीवन है, इन्होंने ऐसा बुक लिखा है। तो आप ऐसा समझिए कि इनका संघर्ष से ही इतने महान बने हैं। तो देखिए यहाँ पे नेल सन, तो एक नेल छोटा सा वर्ड और सन यानी सूरज बहुत बड़ा वर्ड। तो ऐसा समझिए कि नाखून के तले से निकले और सूरज की तरह प्रकाशमान बन गए। तो इस तरह से उन्होंने संघर्ष करते हुए अपना जीवन जो है सूरज अपना बना लिया, मैंने सूर्य के प्रकाशमान की तरह प्रकाशमान बन गए सूरज की तरह। तो नेल्सन, नेल से निकले सन तक पहुँचे स्ट्रगल करके, पूरी लाइफ, स्ट्रगल इज माई लाइफ, नेल्सन मंडेला। चलिए बात करते हैं वार एंड पीस, सॉरी डिवाइन कॉमेडी है। तो ये तो सिंपल सा है, कभी भी आप कॉमेडी देखते हैं तो दांत तो बाहर आ ही जाती है, मतलब कि हंसी छूट ही जाती है। तो डिवाइन कॉमेडी दांते, सिंपल सा है। चलिए वार एंड पीस, वार एंड पीस जो है लियो टॉल्स्टॉय है, वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय। तो अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि वार यानी झगड़ा और पीस यानी शांति। तो अगर आप झगड़ा लिए हैं तो कैसे टालना है, कैसे आप शांति करना चाहते, शांति में बदलेंगे आप ही जानिए। जब आपने झगड़ा लिया है तो कैसे निपटारा है आप ही जानिए। सीधी बात है कि अगर आपने झगड़ा लिया, लियो देखिए वार लियो, अगर तुमने वार लियो तो कैसे शांति या फिर कैसे टाला जाए ये तुम ही जानो। तो वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय। ओरिजिन ऑफ स्पेसिज, ओरिजिन ऑफ स्पेसिज क्या है, चार्ल्स डार्विन। ये कैसे याद करें, ओरिजिन ऑफ स्पेसिज देखिए बता रहे हैं फ्रेंड कि स्पेस के ओरिजिन में सब एक ना एक दिन सबको चल के जाना ही है। बात समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, यानी कि 80 साल 90 साल के बाद सबको ऊपर जाना ही है। तो ओरिजिन स्पेस यानी कि ऊपर आसमान में।
तो एक दिन एक दिन स्पेस के ओरिजिन में, यानी कि उसके मध्य में, सबको जाना ही है चल के, चल्स। फिर भी सब लोग मरने से डरते हैं कि डर लगता है, इसलिए चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन स्पेस से सबको जाना है चल के, जाना ही है चार्ल्स, और फिर भी सबको डर लगता है, फॉर डार्विन। चलिए, मीन कैंप, मीन कैंप मेरा संघर्ष, ये लिखा है इन्होंने, एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर, देखिए इसका लिखा है मेरा संघर्ष। तो कैसे इन्होंने संघर्ष किया, तो कैसे वो हिट हुए, कैसे उन्होंने फाइट किया, कैसे उन्होंने लड़ाई की, लर देखिए हिटलर, ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब जानते भी कैसे उन्होंने लड़ाई करके वो हिट हुए हैं, क्योंकि इनका पूरा जीवन ही संघर्ष से भरा हुआ है। अब पूरा संघर्ष भी कैसा, तो लड़ाई वाला संघर्ष। बहुत ही इनका कहानी एक बार जान ले, बहुत अच्छा कहानी इनका, मीन कैंप हिटलर का, तानाशाही। हिटलर कैसे हिट हुआ, संघर्ष करके हैं। चलिए, मदर इंडिया, मदर इंडिया और एक मदर है, दोनों को बता दे, एक जो है मदर इंडिया, कैसी मदर, इंडिया की मदर, और इंडिया में मदर को क्या बोलते हैं हम लोग, मैया। देखिए, यशोदा मैया, कृष्ण की मैया बोलते हैं, मैया, मैयो, कैथरीन मैयो। तो ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ये दो ऑप्शन रह सकते हैं, तो आपको ऑप्शन के अनुसार छांटना है। आपको तो फुल्ली हम तो याद करा नहीं सकते, ट्रिक क्या होता है, ट्रिक सिर्फ हिंट देने के लिए होता है। तो हिंट ये दे सकते हैं इसमें फ्रेंड, कि इंडिया की मदर, इंडिया की मदर यानी कि क्या, यहाँ पे मैया, ठीक है, और सिर्फ मदर, यानी कि हो सकता है कि इंडिया की मदर नहीं है, फॉरेनर मदर है। तो ये कैसी मदर है, बहुत ही मैक्सिमम गोरी है, गोरी माँ, गोरी माँ, और इंडिया की माँ मैया, मैक्सिम गोरकी। मदर सिर्फ रहेगा तो मैक्सिम गोरकी, और इंडिया की मदर रहेगा तो मैया। चलिए, पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रिगेंड, ये कैसे याद करें हम लोग फ्रेंड। यहाँ पर देखिए, ऐसा लग रहा है कि जॉन जो है मीलो चल के, यहाँ देखिए जॉन जो है, जॉन एक नाम तो सिंपल सा समझो, जॉन नाम है, तो जॉन जो है मीलो चल के, उसका क्या हुआ, पैर जो है डाई हो गया, यानी पैर जो उसका लॉस्ट हो गया। सीधी सी बात है कि अगर आदमी कितना चल सकता है, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, अब आदमी मीलों मीलों चलेगा, उसका पैर तो लॉस्ट होगा ही, देखिए पैर तो उसका डाई कर ही जाएगा, यानी कि लॉस्ट होगा ही। तो पैराडाइज लॉस्ट, यानी कि जॉन जो है मीलों चला, इसलिए उसका पैराडाइज लॉस्ट हो गया। देखिए पैराडाइज, फिर से पैर डाई हुआ, किसका डाई डाई हुआ, जॉन का ही हुआ, क्योंकि वो मीलों चला था। अगर दिक्कत है फ्रेंड, तो हम लोग ऊपर से एक बार आ जाते हैं रिपीट करने के लिए, ताकि भरोसा बहुत ज़रूरी है, विश्वास होना ज़रूरी है कि याद हो रहा है या नहीं। देखिए इसको ढक दिया मैंने, द रिपब्लिक, यानी पब्लिक में अगर कुछ भीख मांगता है लोग तो क्या करता है, प्लेट लेकर के, यानी प्लेटो है। हैरी पॉटर क्या, हैरी पॉटर किस लिए बनाया गया, झाड़ू पर रोल होने के लिए, तो रोलिंग है। फिर दास कैपिटल, दास को अगर किसी ने पीट दिया है तो बेचारा क्या होगा, इसका काला मार्क्स पड़ गया जहाँ था। स्ट्रगल इज माई लाइफ, स्ट्रगल इज माई लाइफ से लग रहा है कि उन्होंने स्ट्रगल किया है, नाखून के तले से निकल करके सूर्य की तरफ प्रकाशमान बने हैं, तो नेल्सन, नेल्सन मंडेला। स्ट्रगल इज माई लाइफ, स्ट्रगल इज माई लाइफ से लग रहा है सीधे फ्रेंड कि ये तो बता ही दिया, नेल्सन मंडेला है। डिवाइन कॉमेडी, कॉमेडी करने पर दांत बाहर आते ही हैं, दांते। वार एंड पीस, देखिए वार लियो तो कैसे शांति में बदलना है, तुम ही टालो इसको, तो लियो टॉल्स्टॉय है। ओरिजिन ऑफ स्पेसिज, देखिए सबको एक ना एक दिन चल के ओरिजिन में जाना ही है, चार्ल्स, फिर भी सबको डर लगता है, डार्विन, चार्ल्स डार्विन। मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष, इन्होंने संघर्ष किया, कैसे हिट हुए, कैसे लड़ाई किए, कैसे मित्र राष्ट्रों से, मित्र राष्ट्रों का जितना वर्षा संधि था उसको फाड़ दिया इन्होंने, ये सब कहानी है इनका, तो हिट करके, लड़ाई करके ही, हिटलर, मीन कैंप लिखा है इन्होंने, मेरा संघर्ष। मदर इंडिया, मदर इंडिया जो है मैंने बताया था, मदर दो तरह की, मदर एक इंडिया है, मदर सिर्फ मदर है, तो मदर इंडिया क्यों थी, मैयो यानी कि कैथरीन मैयो, मैया, और मदर सिर्फ रहेगी तो मदर जानते हैं फॉरेनर मदर गोरी होती है, तो मैक्सिमम गोरकी। चलिए, पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रिगेंड, पैर जो है डाई हो गया, कैसे डाई होगा, बेचारा जॉन जो है मिलो चला था, इसलिए जॉन मिल्टन है, बिल्कुल याद है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं द प्रिंस, द प्रिंस जो है मैकिया वैली, अगर इसको कर दें कि मकैया वाली, देखिए मकैया वाली, मकई मतलब क्या होता है फ्रेंड, भोजपुरी में मकई मतलब होता है भुट्टा, जो भुट्टा खाया जाता है वो भुट्टा को मकई बोला जाता है, तो मकैया वाली, यानी कि उसने खेती की होगी भुट्टा की, इसलिए मकैया वाली नाम है, मकैया वाली। तो मकैया वाली को हम लोग सिंपल जानते हैं मकैया वाली है, लेकिन वो तो छिपी छुपी हुई रुस्तम निकली, वो तो प्रिंस निकली, कोई महारानी निकली, वो तो वो मकैया वाली नहीं है,
वो तो महारानी है ऐसा समझ लीजिए इसका सा। तो प्रिंस कैसे, प्रिंस तो मकैया वाली प्रिंस निकली, महारानी निकली। चलिए पॉलिटिक्स की बात करते हैं। पॉलिटिक्स यानी अरस्तू। तो ऐसे हम लोगों को कहा जाता है स्टूडेंट लाइफ में कि कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए, सिखाया भी जाता है कि कभी भी पॉलिटिक्स में मत पढ़ना। तो यहाँ भी देखिए बता भी रहा है, अरे तू कभी पॉलिटिक्स में मत जाना, पॉलिटिक्स एक बार जाएगा तो फिर तुम बाप भाई सबको भूल जाएगा, सबसे तुम्हारा कोई नाता नहीं रह जाएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स जानते ही बहुत ख़राब होता है कि अखिलेश यादव उसके पिता में झगड़ा हो जाता है सत्ता को लेकर कभी कभी, तो बहुत सारा। तो पॉलिटिक्स यानी अरे तू कभी पॉलिटिक्स नहीं जाना, ये हो गया अरे तू पॉलिटिक्स नहीं जाना, तो पॉलिटिक्स अरस्तू हो गया। ए टेल ऑफ टू सिटीज, देखिए ए टेल ऑफ टू सिटीज का है चार्ल्स डिकेंस। ऐसा लग रहा है कि ए टेल ऑफ, यहाँ देखिए ए टेल ऑफ मैंने कि क्या कह रहा है, दो शहर, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं सिटी बजाने वाला सिटी। तो दो सिटी आप क्या करके देखने गए हैं, चलो दो सिटी हम लोग खरीदना है, चलो देखते हैं। डिकेंस, दो सिटी देखना खरीदना है, उसके लिए पहले क्या करेंगे आप चल के उसको जाकर देखेंगे, बाजार में जाकर चलेंगे जाएंगे आप देखेंगे उसको, डिकेंस देखेंगे और कैसा दो सिटी है बजा कर देखेंगे डिकेंस, उसके बाद हो सकता है खरीद लेंगे अगर चला जाएगा तो। टू सिटीज, या फिर जैसे भी याद करते हैं टू सिटी और सिटी शहर को लेते हैं, तो शहर भी आप क्या करते हैं चल के जाते हैं देखने, तो भी याद कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं माई लाइफ द रोड अहेड, द रोड अहेड ऐसे याद कीजिए, और बिल क्लिंटन है। सीधी सी बात है कि रोड के किनारे, रोड अहेड, रोड के किनारे, ऐसे समझिए कि रोड के किनारे बहुत सारा कूड़ा कचरा है, देखिए टन का टन कूड़ा कचरा है, तो उसका क्या किया, क्लीन किया गया, क्लीन टन, वो सभी के सभी टन का टन जितना भी कचरा था रोड के साइड में सबको क्या किया गया, क्लीन किया गया, रोड अहेड। तो क्लीन किया तो उसका तो कुछ ना कुछ बिल बनेगा, तो बिल किसका, बिल द रोड अहेड के सामने जितना भी टन का टन कचरा था उस सबका बिल बना, तो बिल क्लिंटन, बिल्कुल। अब आगे ए पैसेज टू इंडिया, फ्रेंड इससे दो पुस्तक है, ए पैसेज टू इंग्लैंड है और पैसेज टू इंडिया है, तो दोनों में कन्फ्यूजन भी होता है फ्रेंड। तो ए पैसेज टू इंग्लैंड का मैंने बता दिया नीरज सी चौधरी, इसके पहले वाला जो ये मैंने बताया भारतीय पुस्तक जितने भी हैं मैंने ऑलरेडी इसका जो वीडियो है अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो वो डिस्क्रिप्शन से वो लिंक के द्वारा जा सकते हैं, या वीडियो के लास्ट में मैं सजेस्ट करूँगा वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी, आप क्लिक कर देंगे आप सीधे चले जाएंगे उस वीडियो में, ये भारतीय पुस्तक वाला है, ये विदेशी पुस्तक है। तो ये ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंग्लैंड, दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन को हम लोग दूर कर देते हैं। पैसेज टू इंडिया में जो है ई एम फोस्टर है, और देखिए इंडिया में ही जहाँ तहाँ पोस्टर लगाया जाता है, तो पोस्टर जब भी मिल जाएगा तो मुझे कि इंडिया की बात है। पैसेज टू इंडिया, देखिए ये पैसेज आया, कोई पैसेज आया बड़ा सा पोस्टर आया, उसको क्या किया गया इंडिया में लगा दिया गया। सिंपल सी बात है, कोई भी मूवी निकलती है जहाँ तहाँ देखो वहाँ पर दीवार पर चिपका देता है लोग पोस्टर, ई एम पोस्टर, पैसेज टू इंडिया ई एम पोस्टर। और ये पैसेज टू इंग्लैंड क्या रहता है, नीरज सी चौधरी, उसका मैंने उसमें ट्रिक बताया आप देख लेंगे उसमें। वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस का है एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ, इसको देखिए कितना याद कर सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे नेशंस यानी कि क्या है, यहाँ पे एडम यानी आदमी, आदम, आदम जात यानी कि मनुष्य, हम लोग मनुष्य को बात करते हैं आदम, तो हम लोग किसके यानी कि हम लोग नेशंस, हम भी क्या है नेशंस, हमारे देश के हैं नेशंस, और हमारे अंदर भी क्या है वेल्थ के प्रति लालच है, तो वेल्थ के प्रति धन से किसका मतलब है, अब जानवर पशु पक्षी को तो धन से कोई मतलब है नहीं, वेल्थ से कोई मतलब नहीं है, तो वेल्थ से मतलब किसका है, तो आदम जात को है, आदम जात, आदम फॉर आदम स्मिथ, जो कि नेशंस में रहते हैं अलग अलग नेशंस जो भी नेशंस हो। अब बात करते हैं प्रिंसिपिया का, प्रिंसिपिया का न्यूटन है, तो ये सिंपल सा सबको मालूम है। ऐसे भी देखिए प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन यानी न्यूटन का सिद्धांत, न्यूटन का सिद्धांत ये जानते हैं कि उनका बहुत सारा लॉ है, ऐसे तीन लॉ उनका फेमस है, उन्होंने प्रिंसिपिया बुक में जो है लॉ है इसको उन्होंने डाला है, तो प्रिंसिपिया से आप इसको याद रख सकते हैं न्यूटन का लॉ। चलिए अब एशियन ड्रामा, एशियन ड्रामा का है गुन्नार मेडल, देखिए इसको कैसे याद करते हैं, देखिए एशियन ड्रामा पढ़ाई में किसी को बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा एश करता है, ड्रामा करता है, लेकिन पूछा जाता है तो वो डल निकलता है, मिडल, मिडल, गुना, गुनार मिडल, गुना में मेडल,
गुणा करने में डल, मल्टीप्लाई करना बचपन में सिखाया जाता है ना, प्लस माइनस गुणा ये सब सिखाया जाता है। तो किसी बच्चा के बारे में ऐसा कहा जाता है, ऐसा सोच लीजिए कि एक ऐसा बच्चा जो बहुत ऐश करता है, बहुत ड्रामा करता है पढ़ने टाइम, उसको अभी तक गुणा भी नहीं आता, गुणा में डल है। कौन गुणा में डल है? जो ऐश करता है, ड्रामा करता है पढ़ने में, एशियन ड्रामा, गुणा में डल, गुनार में डल। हेमलेट, हेमलेट की बात करते हैं यहाँ पे। हेमलेट यानी कि हेमलेट है, ओथेलो है, मैकबेथ है। तो अगर इसको देखा जाए फ्रेंड कि आजकल हेमलेट लगाना सबको सिखाया जा रहा है, इसलिए शेक्सपियर ऐसे बताया जा रहा है कि हेमलेट लगा के चलना चाहिए, सेफ्टी है, गिरोगे तो मतलब आपको कुछ नहीं होगा, कम से कम माथा आपका बचेगा, बाकी शरीर तो आप इलाज हो जाता है, लेकिन सर में कुछ हो जाए तो आदमी कोमा में जाएगा, फिर सीधे ऊपर जाएगा। तो हेलमेट लगाना है, यहाँ पे हेमलेट है, हेमलेट लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सीखो हेमलेट लगाना, सिख पियर। और कैसा हेमलेट? पीला हेमलेट, पियर हेमलेट, सिख पियर हेमलेट लगाना। चलिए बात करें ओथेलो। एक चीज़ और सिखाया जाता है फ्रेंड कि अब अपने साथ अगर मार्केट जाते हैं तो अपने साथ एक थैला लेकर जरूर जाएं, थैला लेकर जाएं, प्लास्टिक का यूज़ ना करें। ये भी क्या करते हैं हम लोग सीख रहे हैं आजकल कि जो भी थैला हो, पीला हो, लाल हो, पियर थैला हो, लाल थैला हो, लेकर जरूर जाएं और थैला को ले जाना सीखें, ताकि आप प्लास्टिक कम यूज करें। ओके, तो हेमलेट ले जाना सीखना है फॉर शेक्सपियर, और थैला ले जाना भी सीखना है तो शेक्सपियर। चलिए मैकबेथ, मैकबेथ की बात करते हैं। मैकबेथ, मैकबेथ यानी कि ये भी देखिए मैकबेथ, और मैं कब सीखूंगा, मैं कब सीखूंगा ये सब करना, जब आज ही तो समय है, आज ही सब सीखना है, तो मैं कब सीखूंगा। देखिए किसी को समझाने के लिए हो सकता है ना, बताया जा रहा है कि यार कम से कम समझो, मैं हम लोग यानी कि मैं आप कब सीखोगे कि थैला ले जाना है, प्लास्टिक यूज कम करना है, हेमलेट यूज करना है, तो सब सीखने की बात है। मैं कब सीखूंगा, थैला कब ले जाना सीखोगे, हेमलेट लगाना कब सीखोगे, सब सीखने की बात है। तो फियर, सिख फियर। द फोर्थ स्टेट का जेफरी आर्चर, देखिए यहाँ पे फोर्थ को अगर फोर्स कर देते हैं, यानी कि फोर्स यानी कि जो सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं, वो फोर्स, आर्मी फोर्स या फिर बीएसएफ का सेना, बीएसएफ फोर्स। फोर्स का जवान क्या है, एकदम स्ट्रेट रहते हैं, डिसिप्लिन उनका बहुत ही टाइट रहता है, स्ट्रेट रहते हैं, एकदम खड़ा रहते हैं। अगर जो पाकिस्तान बार बार इतना धमकी देता है, धमकाता है, अगर इन फोर्स को फ्री कर दिया जाए तो अगर इन फोर्स को फ्री कर दिया जाए तो हमारे देश पर आँच ही नहीं आएगी। जितना वो लोग इतना धमकाते हैं, तो पाकिस्तान तो डर के अंदर छुप जाएगा। तो कब किसको फ्री करना है, तो फोर्स को फ्री करना है। द फोर्स को फ्री कर दिया जाए तो हमारे देश पर आँच भी नहीं आएगी, बिल्कुल भी आँच नहीं आएगी, वो तो बोल भी नहीं पाएंगे, इतना डर के मारे दुबक जाएंगे वो। तो फोर्स समझ सकते हैं, द फोर्थ स्टेट, फोर्थ स्टेट में रहते हैं, एकदम स्टेट डिसिप्लिन में रहते हैं, और फ्री कर देने पर हमारे देश पर आँच नहीं होगी। थोड़ा सा सोचिए इसे। मिडनाइट चिल्ड्रेन का सलमान रुश्दी है। यहाँ देखिए फ्रेंड, इसको मैं याद कराता हूँ, चिल्ड्रेन बच्चे जो है आधी रात में वो तो रुस जाते हैं, फूल जाते हैं, रोने लगते हैं, तो मिडनाइट यानी आधी रात, चिल्ड्रेन यानी बच्चे, और क्या होते हैं वो रुस के, रोने लगते हैं, रुश्दी, सलमान रुश्दी। चलिए अब आगे, दिस सैटनिक वर्सेस, इसमें भी देखिए वही बच्चे ही, मान लीजिए कि बच्चे ही हैं, अभी क्या करते हैं वो सैड हैं तो वो भी रुसे हुए हैं, सैड मतलब ही रुसना, उदास होना। देखिए यहाँ पे अब लोलिता जो है व्लादिमीर नवाको है, तो अगर इसको याद करना है तो कैसे याद करेंगे, देखिए लाल, लोलिता में लाल एक वर्ड है और यहाँ पे व्लादिमीर में ब्लड है, तो लाल ब्लड, तो लोलिता फॉर लाल और ब्लड फॉर व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन नवाको है। ओके, चलिए अब जुरासी पार्क से माइकल क्रिचटन है। इसको याद करना आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ऐसा जुरासिक पार्क जहाँ पे पूरा कीचड़ है, कीचड़ जो है टन का टन भरा हुआ, कीचड़ टन का टन भरा हुआ है ऐसा, तो ये हो गया जुरासिक पार्क, ऐसा पार्क जहाँ पे कीचड़ जो है टन का टन भरा हुआ है, इसलिए जुरासिक पार्क। वहाँ डायनासोर हो सकता है कि बहुत सारे वहाँ पे कीचड़ फैला दिए होंगे। चलिए द ग्राउंड बीनीथ आवर फीट, ये सलमान रुश्दी,
देखिए सलमान रुश्दी का जब भी अगर सोचना है ना तो बच्चा लेकर सोचिए, मतलब कि ऐसा सोचिए कि बच्चा है, बच्चा देखिए मिड डाइट में बच्चा रो रहा है, रुश्दी रुस गया, सैडनी यानी बच्चा जो है सैड है यानी कि रुश्दी रुश्दी है। या आप देखिए ये भी इसको सोचा जाए, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट यानी बच्चा जो है ज़मीन पर लोट लोट के रो रहा है, ये भी देखिए रुश्दी हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं होनी वाली फ्रेंड बिल्कुल भी, और हम लोग चाहे तो जहाँ से किए उसके आगे हम लोग एक बार रिविजन कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, आपको भी विश्वास हो जाएगा। तो पैराडाइज रिगेन तक हम लोग कर लिए थे, इसको हमने ढक दिया। द प्रिंस से देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन प्रिंस यानी कि महारानी कौन निकली थी, हम लोगों ने क्या सोचा था कि वो मकैया वाली है लेकिन वो है प्रिंस। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स यानी हो गया क्या कि अरे तू पॉलिटिक्स में जाएगा अच्छी बात नहीं है, मत जा पॉलिटिक्स में। तो अरस्तू हो गया, ए टेल ऑफ टू सिटीज, तो टू सिटीज हमने देखे देखने गए थे, डिकेंस चल के गए थे, चार्ल्स डिकेंस। माई रोड माई लाइफ, द रोड हेड, रोड के किनारे आप क्या कर, मतलब कि बताया जा रहा है कि टर्न का टर्न जो है उसको क्लीन किया गया, उसका बिल बना, पैसा बना, तो टर्न क्रिस्टन, माइकल क्रिस्टन, और सॉरी क्रिस्टन नहीं है उसका, टेल ऑफ टू सिटीज यानी कि डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस देखने गए थे। इसलिए माई लाइफ द रोड अहेड, माई लाइफ द रोड अहेड, ये इसका मैंने बताया कि ये माई लाइफ द रोड अहेड यानी कि आपका बता रहे क्लिंटन यानी कि टन का टन, ये कचरा जो है उसको साफ किया गया, क्लिंटन इसलिए। और ए पैसेज टू इंडिया, इसमें मैंने बताया था दो बुक आता है, पैसेज टू इंग्लैंड होता है, एक पैसेज टू इंडिया होता है। इंडिया होगा तो इंडिया में पोस्टर याद रखेंगे कि तरह तरह का पोस्टर लगा हुआ रहता है, इसलिए पोस्टर, ई एम पोस्टर, और इंग्लैंड है तो ये आपका जानते हैं। चलिए वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस यानी कि वेल्थ यानी कि धन, धन से किसका मतलब है, और पशु पक्षी जानवर से तो धन से कोई मतलब है नहीं, वेल्थ से कोई मतलब नहीं है, तो किसका मतलब है, आदम जात से मतलब है, इसलिए आदम स्मिथ, एडम स्मिथ। प्रिंसिपिया, प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल, किसका प्रिंसिपल, किसका सिद्धांत, न्यूटन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपिया एक बुक है जिसमें न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ये सब लॉ इसमें मिलता है, फर्स्ट लॉ इन्होंने इसमें लिखा था प्रिंसिपिया बुक में। एशियन ड्रामा, और एक बच्चा जैसे ड्रामा करता है उसको गुना गुना में भी डल है, गुना मिडल, गुनार मिडल, गुना भी नहीं करने आ रहा तो ड्रामा करता है पढ़ने में, एस करता है ज़्यादा। चलिए अब हैमलेट, हैमलेट लगाना सीखना है सबको ताकि एक्सीडेंट से कम हो बचे, तो शेक्सपियर। ओथेलो, थैला ले जाना भी सीखना है ताकि प्लास्टिक यूज कम हो, तो भी शेक्सपियर। मैकबेथ यानी कि ये भी था, मैं कब सीखूंगा, शेक्सपियर, ये भी शेक्सपियर, शेक्सपियर। द फोर्थ स्टेट, फोर्थ फोर फोर्स यानी कि क्या, कौन, आर्मी फोर्स, बीएसएफ फोर्स जो भी हो, वो बहुत स्टेट डिसिप्लिन में रहते हैं, स्टेट रहते हैं, और ऐसे सोच लीजिए कि स्टेट में रहते हैं फोर्स, तो इसका सीधे से मतलब है कि अगर उनको फ्री कर दिया जाए तो हमारे देश पर आँच बिल्कुल नहीं आ सकती है, इसलिए जेफ्री आचर। मिडनाइट चिल्ड्रन, बच्चे जो हैं वो रोते हैं आधे रात में, रुश्दी, सैड नहीं सैड हैं वो भी रुश्दी, और यहाँ पे ग्राउंड बीनीथ हर फीट ये भी रुश्दी, क्योंकि बच्चे जो ज़मीन पर लोट लोट के भी रोते हैं, तो सलमान रुश्दी, ये तीनों का तीनों। तो टेम्पेस्ट में ही दो वर्ड जो छिपा हुआ है इसमें, एक वर्ड है तुम और दूसरा है पेस्ट करना। तो कंप्यूटर में हर कोई जानता सीखता है कि कैसे कॉपी पेस्ट करना होता है, तो कॉपी पेस्ट करना है कंट्रोल सी और कॉपी पेस्ट करना कंट्रोल वी, सभी जानते हैं। तो तुम पेस्ट करना क्या, सीखना यानी सीखना फॉर शेक्सपियर, शेक्सपियर, शेक्सपियर। तो हो गया टेम्पेस्ट, तुम पेस्ट करना कैसे सीखोगे, सीखो, कंट्रोल भी करो, तुम पेस्ट करो। चलिए अब डायना एट्रीब्यूट, डायना एक मूवी है आपने देखी होगी, तो डायना मूवी है, मूवी को बनाने के लिए एक पूरी टीम की ज़रूरत होती है, टीम की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ग्राहम, टीम ग्राहम का नाम ही है उसका, डायना मूवी, डायना एट्रीब्यूट। तो डायना मूवी, कोई मूवी बनाने के लिए क्या टीम की ज़रूरत पड़ती है, तो समझिए कि वो टीम है, और टीम का नाम बुक ही लिख दिया उन्होंने, टीम ग्राहम। द ऑडिसिटी ऑफ होप, द ऑडिसिटी ऑफ होप को बराक ओबामा, यहाँ की होप, होप मतलब आशा। तो बराक ओबामा की अगर याद की जाए कि बराक ओबामा किस लिए जाने जाते हैं, तो ऐसे उनकी कोई ज़्यादा प्रचलित नहीं थे, वो ज़्यादा प्रचलित नहीं थे, जब से उन्होंने असामा बिन लादेन को उन्होंने मारा उसके बाद से वो पूरा प्रचलित हो गए। तो अमेरिका की कहीं ना कहीं, खुद बराक ओबामा की कहीं ना कहीं एक आशा थी कि असामा बिन लादेन को वो मार देंगे, और वही हुआ, उन्होंने हेलीकॉप्टर उड़ा के ले गया, उड़ा के ले गए उस जहाँ पे ओसामा बिन लादेन सिटी, जिस सिटी में रहता था, जिस शहर में रहता था, ओडे सिटी, हेलीकॉप्टर उड़ा कर ले गए जिस सिटी में ओसामा रहता था, वहाँ से उसको क्या कर दिया, उसको मार दिया।
तो ये होप जो है उन्होंने पूरा कर दिया अमेरिका वालों के, इसलिए इसे नाम जाना था बराक ओबामा, द ओडिसिटी ऑफ होप। हल्का फुल्का याद आने के लिए काफ़ी है, बाकी वहाँ पे आपका पूरा काम ऑप्शन कर देगा। हाफ़ ए लाइफ, हाफ ए लाइफ का VS नायपाल है। देखिए यहाँ पे नायपल, नायपाल का नए पल कर देते हैं, नए पल अच्छे पल, तो हाफ़ ए लाइफ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाफ़ ए लाइफ जिंदगी पूरी, तो फुल ए लाइफ रहता तो पूरी ज़िंदगी, हाफ़ ए लाइफ यानी कि आधी ज़िंदगी। तो बात सिंपल सी है कि हाफ़ आधी ज़िंदगी हो या पूरी ज़िंदगी हो, हर ज़िंदगी को जो है नए पल से अच्छे से जीना चाहिए। नए पल से यानी कि हर ज़िंदगी जो है हर दिन नए पल से शुरुआत हो, अच्छे से ज़िंदगी जो है शुरुआत हो। तो हाफ ए लाइफ आधी ज़िंदगी हो या पूरी ज़िंदगी हो, नए पल से होनी चाहिए उसकी शुरुआत। तो नए पल नायपाल। अनटचेबल, अनटचेबल का मुल्क राज आनंद, अनटचेबल बुक के लेखक जो है मुल्क राज आनंद है। और इस लेखक को याद करने के लिए और इस बुक का रिलेशन जो है बता देते हैं। अनटचेबल से हल्का फुल्का याद रखें कि छुआछूत की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मुल्क जानते हैं, मुल्क किसको बोला जाता है, जहाँ मुल्क यानी कि एक ऐसा बस्ती शहर या फिर कोई इलाका मुल्क है। और आनंद यानी खुशी, तो अगर किसी मुल्क में अगर आनंद से रहना है, किसी मुल्क में आनंद से रहना है, तो छुआछूत की भावना तो बिल्कुल भूल जानी होगी, ऐसे याद रखें। अनटचेबल यानी मुल्क राज आनंद। अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स का सर ब्राटन है, अरेबियन नाइट्स का सर ब्राटन, इसको कैसे हम लोग याद करें, तो एक वर्ड है भोजपुरी में बिहान, बिहान मतलब होता है कल, टुमारो। तो अगर बात करें कि अरेबियन नाइट्स का, अरे बिहान नाइट में पूरा का पूरा भोजपुरी वर्ड ही निकल जा रहा है। देखिए अरे बिहान नाइट में सर का बारात निकलने वाला है, सर बरातन, अरेबियन नाइट्स यानी कि अरे अरे, तो बिहान यानी कि बियन, अरेबियन नाइट्स यानी कि रात में, सर का यानी सर, और ये बराटन बरात, तो क्लियर हो जाएगा इससे, अरेबियन नाइट्स सर बराटन। आगे बात करते हैं एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ, एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ, यहाँ माइकल एंडरसन है, माइकल और यहाँ पे माई यानी कि मदर माँ, और कल यानी कि टुमारो। यहाँ देखिए डर और यहाँ पे शन, डर यानी कि समझ रहे हैं फियर, जो डर लगता है उसे, और सन यानी कि यहाँ पे उस माँ का बेटा। तो ऐसा लगता है माँ डर यानी कि आपके बेटे को डर क्यों लगता है, माई कल मैं इसका एक्सपेरिमेंट करूँगा, आपके बेटे को डर क्यों लगता है, इसका मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, इसका वजह जानूँगा, और सच का सच, और बोलते हैं ना कि दूध का दूध पानी का पानी होना, अनट्रूथ क्या सच है क्या नहीं इसका पता कर लेंगे हम लोग। एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ माइकल एंडरसन, डर क्यों लगता है शन को, इसका एक्सपेरिमेंट करना है, वो बोल रहा है माइकल एक्सपेरिमेंट करेंगे। गुड अर्थ, गुड अर्थ का पर्ल एस बक है, पर्ल एस बक गुड अर्थ, तो पर्ल मतलब होता है मोती, यहाँ पर देखिए मोती, तो अर्थ यानी कि धरती की बात कर रहे हैं, तो मोती हो या हीरा हो या जो भी हो वो धरती पर ही मिलती है, समुद्र की गहराई में जो तल होता है वो भी तो धरती ही है, तो वो समुद्र की गहराई में अच्छे अच्छे मोती मिलते हैं। गुड अर्थ पर्ल बुक, पर्ल एस बुक, तो पर्ल आपको याद रखना है, पर्ल यानी मोती, मोती कहाँ मिलता है, तो अर्थ पे ही मिलता है, यानी अर्थ, पर्ल और अर्थ रिलेटेड है। चलिए गुलिवर्स ट्रेवल्स, इसका है जोनाथन स्विफ्ट, गुलिवर्स ट्रेवल्स का जोनाथन स्विफ्ट, इसको याद करना है फ्रेंड। देखिए और यहाँ पे स्विफ्ट, स्विफ्ट एक कार का नाम है, सभी जानते भी होंगे, आप देख सकते हैं गूगल सर्च कर स्विफ्ट कार कैसा होता है, स्विफ्ट कार का नाम है। तो ऐसे देखिए ट्रैवल्स करना, ट्रैवल करना, कैसे ट्रैवल कर रहा है, तो स्विफ्ट कार से ट्रैवल कर रहा है, तो ये दोनों कॉमन वर्ड आ गया, ट्रैवल करना है, कैसे ट्रैवल करना है, स्विफ्ट कार से, गुलिवर्स ट्रैवल, स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट। इनसाइड एशिया, इनसाइड एशिया का जॉन गुंथर है, तो देखिए इनसाइड एशिया, तो हमारे एशिया के अंदर में, इनसाइड एशिया के अंदर में जो गुण है भारत का, वो सारे देश है, हमारे जितना भी देश है सभी भारत के गुण को नाम, गुण का नाम लेते हैं, भारत में ये है वो है, भाईचारा है, सभी धर्म निवास करते हैं, ये सब गुण का निवास ही बात करते हैं। तो ये जो भारत की बात कर रहे हैं, भारत के गुण की बात कर रहे हैं, वो कहाँ है, इनसाइड एशिया, एशिया के अंदर में है, ठीक है, एशिया में ही भारत पड़ता है, भारत देश, इसलिए भारत का गुण भारत यानी कि एशिया में। उतना अच्छा तो ट्रिक नहीं है, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी है आपको याद दिलाने के लिए,
ऑप्शन से आपको छाटने के लिए। द मास्टर्स, द मास्टर्स का सीपी स्नो है, तो द मास्टर्स या तो बोलते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में जो होता है कि ब्रेन यानी कि मास्टर, कंप्यूटर सिस्टम का सबसे मास्टर कौन होता है, तो बोलते हैं सीपीयू, यानी कि उसका ब्रेन कौन होता है कंप्यूटर सिस्टम का, सीपीयू, सीपीयू, सीपीयू का सीपी मिल जा रहा है, स्नो है लेकिन बाद का, तो मास्टर्स सीपीयू, सीपीयू ना बोल के आप सीपी स्नो बोल देंगे। द मास्टर्स बुक का लेखक सीपी स्नो है। चलिए नाइन डेज वंडर, नाइन डेज वंडर का जॉन मिसफील्ड है, मैसफील्ड, नाइन डेज वंडर जॉन मैसफील्ड, इसको देखिए कहते हैं नैन, नाइन को हम लोग नैन करते हैं, नैन यानी आँख, नैन जो होता है वो आपका वंडर हो गया यानी भटक गया, तो सीधी सी बात है कि जब आँख भटकेगा तो मिसफील्ड होना ही है, मिसफील्ड यानी कि अगर फील्डिंग कर रहे हैं तो गेंद आपसे हाथ से छूटेगी आपको नैन अगर भटक गया तो नैन वंडर हो गया तो मिसफील्ड होना ही है, मैसफील्ड, जॉन मैसफील्ड ने बुक लिखा, उसका बुक का नाम नाइन डेज वंडर। चलिए वेकअप इंडिया, वेकअप इंडिया है एनी बेसेंट, वेकअप इंडिया के लेखक एनी बेसेंट हैं, इनको याद करना है। अब देखिए ऐसा लग रहा है वेकअप इंडिया जागो भारत जागो, ऐसे तो टीवी में प्रचार आता है जागो ग्राहक जागो, तो वेकअप इंडिया उस समय इन्होंने बताया एनी बेसेंट ने कि जागो भारतीय जागो, इंडिया कब तक अंग्रेजों का शासन सहोगे, जागो। तो ऐसा समझिए कि कह रहे थे इसको फनी बनाया जाए तो लग रहा है कि जागो कोई बेसेंट बिना सेंट कहीं जागो, लेकिन जागो बेसेंट इसका कर सकते हैं ऐसा, तो जागो बेसेंट जागो, ऐसे नाम भी इनका फेमस है तो आप हल्का सा देख ले एक दो बार तो आपको याद होना ही है। ये ओडिशी, ओडिशी यानी कि जैसे ओडिशी यानी कि लग रहा है कि ऋषि मुनि की बात कर रहे हैं कि ऋषि मुनि जो होते हैं उनका घर होता ही नहीं है, तो होम हो, होम तो एकदम उनका है ही नहीं, तो होमर, होम ओडिसी, किसका होम नहीं होता है तो ऋषि मुनि का, तो होमर हो गया। चलिए अब आते हैं इलियड, इलियड का है, इलियड को इसका लेखक जो है होमर ही हैं, ओडिसी के लेखक भी होमर, इलियड के भी होमर है, इसको कैसे हम लोग याद कर सकते हैं इसको थोड़ा देखते हैं। इलियड को हम कर सकते हैं इलोयार्ड, इलोयार्ड, इलोयार, तो हम लोग नॉर्मल बात करते हैं फ्रेंड से इलोयार, ये लो यार, तो बोलते कि हाँ ये तुम्हारा है, हमारा है, हमर, तो ई लो यार फोर, ये हमारा है, ये दो मेरा, ई लो यार, बोलता है कि अरे तुम्हारे पास कैसे है, ये तुम मेरा है, हमारा है, तो बोलता है ठीक है लो, ये लो यार तुम्हारा है तो लो अपना रखो, ये लो, ये लो यार, इलोएड, इलोया, इलियड, तो सब मिक्सिंग करके कर ले रहे हैं इसका काफ़ी है। और इसका जल्द ही हम एक वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं, आप पूरा पढ़ करके टेस्ट भी देंगे ताकि और आपका कन्फर्म हो जाए, तो थोड़ा सा रहेगा आप चार पाँच इसको कर लिया जाए। मैन एंड सुपरमैन, मैन एंड सुपरमैन का जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, शो समझते हैं शो चलना, तो शो सुपरमैन मूवी आपने देखी है, तो सुपरमैन की मूवी जो है आपका हॉल में जो है 200-300 चलती ही होगी, तो आप समझ सकते हैं शॉ से आप याद रखें शॉ, तो सुपरमैन का शो चल रहा है देख लो, मैन एंड सुपरमैन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट, ये है डायना मॉस्की, डायना मॉस्की, इसको कर दीजिए डायना मौसी, तो डायना मौसी का अगर वो डायना है तो सीधी बात है उनका पूरा लाइफ जो है कंट्रास्ट में ही बीतेगी, झगड़ा झंझट से ही बीतेगी, क्योंकि अगर सबको मालूम चल जाए कि वो डायना है तो उनका कोई ज़िंदगी जो अच्छे से गुजरने वाली है नहीं, तो कंट्रास्ट तो होना ही है, तो द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट, क्यों लाइफ कंट्रास्ट में बदल गई, क्योंकि जो मौसी है वो डायना है, डायना मौसी। अब है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ये है रूशो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसके लेखक जो हैं रूशो, ये अपने फ्रांस की क्रांति पढ़ी होगी तो सब ये जानते होंगे ऑलरेडी, अब इसमें कुछ ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप थोड़ा बहुत ट्रिक लगा लें। देखिए सोशल यानी कि सामाजिक काम के लिए, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक काम के लिए जो भी संभालते थे इनका रूशो से संबंधित है, रूशो में सो से सोशल, लास्ट सो से सोशल कर दें तो, या फिर देखिए यहाँ पे द सोशल सॉस, द सॉस, सॉस के लिए रूठा है, हमको सॉस चाहिए, सॉस नहीं मिल रहा है इसलिए, तो रूशो। चलिए फेयरवेल टू इंडिया, फेयरवेल टू इंडिया एडवर्ड थॉम्सन, फेयरवेल टू इंडिया, देखिए पेयर यानी कि एक जोड़ा में, और इंडिया में आए हैं
जोरा में आए हैं घूमने के लिए, कोई भी फॉरेनर हो सकता है कि इंडिया में आया हुआ पेयर के साथ में आया हो, तो अपने साथ किसको लेकर आया गया, सन को यानी थॉमसन, अपने सन सन यानी कि अपने बेटे को थाम कर इंडिया में आया है पैर से चलकर, या फिर दोनों पैर से चलकर, या देखिए पैर से चलकर इंडिया में आया है वो अपने बेटे को लेकर थॉमसन। तो पैर से चलकर इंडिया में कौन आया है अपने बेटे को लेकर के, बेटे को लेकर के थॉमसन, इतना याद रखेंगे काफ़ी है। बस चार, और ऑन कंट्राडिक्शन माओत्सेतुंग, ऑन कंट्राडिक्शन है माओत्सेतुंग। कंट्राडिक्शन मतलब बहस, बहस कैसे करते हैं तो मुंह से ही करते हैं, तो मुहूर्तसेतुंग माओत्सेतुंग, ठीक है ये क्लियर है। इसे ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है लॉस्की, देखिए लॉस्की यानी लॉस की यानी कि सीधे से लगा लॉस किया कुछ मतलब खो दिया। तो ग्रामर सीखा था, पढ़ाई किया था अच्छा से, ग्रामर बहुत अच्छा सीख लिया था, लेकिन जैसे ही वो पॉलिटिक्स में घुसा सब कुछ ग्रामर उसका लॉस हो गया। ऐसे भी कहा जाता है पॉलिटिक्स में जाने पर कोई किसी को पहचानता नहीं है, तो ग्रामर क्या पढ़ाई जो भी किया होगा सब कुछ लॉस कर गया वो, तो ये लॉस किया। ग्रामर एंड ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स याद करने के लिए काफ़ी है। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, ये तो ये लग रहा है कि रिपीट हो गया, ये पीछे में था ऑलरेडी, मैंने बताया था कि ज़मीन पर लोट लोट का बच्चा रोता है वो रूस जाता है, रूस दी। अभी लास्ट इस पूरे जीके ट्रिक का, पूरे ग्रुप का, द प्रोफेसर, द प्रोफेसर का है चैरियट ब्रॉन्टे, लेखक जो है द प्रोफेसर बुक के लेखक है चैरियट ब्रॉन्टे। ये याद रखने के लिए, प्रोफेसर का काम क्या होता है, प्रोफेसर का काम है वो लेक्चर दे, पढ़ाए, अच्छे अच्छे गुण दे। तो एक तरह से देखा जाता है कि वो प्रोफेसर जो है सबको कैरियर बांट रहा है, कैरियर बांट रहा मतलब अच्छे अच्छे गुण सिखा रहा है, गुण बांट रहा है। तो पढ़ाना एक तरह से, पढ़ाना क्या है, गुण ही है, तो वो सिखा रहा है गुण बांट रहा है। तो कैरियर ब्रॉन्टे, कैरियर बांटे, प्रोफेसर बांटे। चलिए फ्रेंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलेंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे, और हो सके तो अपने फ्रेंड जितने भी फ्रेंड हैं उसके सबके पास शेयर करेंगे, ताकि नए नए व्यूअर आएँ, और आप भी चाहते होंगे मेरे चैनल जो है नई ऊंचाई पे पहुंचे, तो बिल्कुल आपका सपोर्ट भी मिला है मुझे, और पूरे 23,000 सब्सक्राइबर पार हो गए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबका आभारी हूँ, और थैंक यू सो मच। चलिए ये आपके सामने जो बॉक्स दिख रहे हैं इस पर कोई भी क्लिक करके आप नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हैं। और ये रही विदेशी, विदेशी पुस्तक ही है ये आप बॉक्स में देख रहे हैं, देशी पुस्तक के लिए बिल्कुल आप क्लिक करके देशी पुस्तक आपका वीडियो देख लें, याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।